नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया में राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना से संबद्ध नारी जीर्णोद्धार एवं चेतना संस्थान द्वारा पश्चिमी चंपारण जिले के सभी वार्ड में राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना शिक्षा केंद्र का शुभारम्भ किया गया, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना से जुड़ी योजनाओं की सभी जानकारी विस्तारपूर्वक दी गई। इसमें पहली योजना के बारे में बताया गया कि व्यावसायिक शिक्षा लाना है और देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना के अध्यक्ष श्री अमरनाथ भक्ता ने बताया कि पश्चिमी चंपारण के गांव-गांव में बल्ब बनाना, हैंडवाश बनाना, साबुन बनाना इत्यादि सिखाया जाएगा और युवाओं को स्वरोजगार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस मौके पर नारी जीर्णोद्धार एवं चेतना संस्थान के सचिव सह इस योजना के जिला प्रभारी श्रीमती बिंदा देवी ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि इस योजना से पश्चिमी चंपारण जिले के सभी वार्ड के 0 से 5 साल के बच्चों को इस योजना का लाभ पहुंचाना है। साथ ही इस योजना के मुख्य वक्ता अमरनाथ भक्ता, जिला प्रभारी श्रीमती बिंदा देवी, धनंजय कुमार शर्मा, चंदन यादव, शत्रुघ्न जी, कामू जी, शमसुद्दीन अंसारी, प्रदीप कुमार शर्मा, अखिलेश कुमार, अनिल कुमार, रानी कुमारी, निर्मला देवी इत्यादि इन सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद पत्रकार अविनाश कुमार कुशवाहा, प्रदीप कुमार, सतीश कुमार इत्यादि सभी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। बेतिया से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।